जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के बिजली के दरों में वृद्धि हो सकती है क्योंकि पावर कंपनी दर बढ़ाने की तैयारी में है। दरअसल पावर कंपनी बिजली महंगी करने की तैयारी में है। इसके लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग को टैरिफ बढ़ाने के प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव तक बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली की नई दरें तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीनों पावर कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग को टैरिफ प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद आयोग तय करेगा कि बिजली की दरें बढ़ाई जानी है या फिर नहीं। कंपनी के अफसरों ने बताया है कि आयोग को आय और व्यय के साथ कंपनी की वित्तीय जरूरतों की जानकारी भी दे दी गई है। आयोग ने प्रस्ताव का सार मांगा है, इसी आधार पर इसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा। दावा आपत्तियां मंगाई जाएंगी और फिर प्रस्तावों पर जन सुनवाई होगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग नई दरें तय करेगा। ऐसे में चुनाव के बाद ही यहां पर पता चल पाएगा कि दरें बढ़ाई जानी है या फिर नहीं, क्योंकि पावर कंपनियां हर साल बिजली की नई दरें लागू करने का प्रस्ताव तैयार करती है और इस साल आयोग को प्रस्ताव भेजने में देर हो गई है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिनों तक ठंड से राहत मिल सकती है। हालांकि सरगुजा संभाग में शीतलहर जारी रहेगा। प्रदेश के 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होने के कारण रात में ठंडक बढ़ गई है। हालांकि आने वाले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान बढ़ेगा और ठंड से राहत मिलेगी। वहीं इसी के साथ रायपुर में भी रात के तापमान में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं मौसम साफ रहने और पारा बढ़ने की संभावना अब बढ़ गई है। मौसम खुलने से दिन का तापमान भी बढ़ेगा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सरगुजा संभाग के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर अभी भी जारी रहेगी। वहीं बीते दिन अंबिकापुर में 7.6 डिग्री सेल्सियस के साथ अंबिकापुर सबसे ठंडा स्थान रहा। बीजापुर में सबसे अधिक तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं रविवार को रायपुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री, अधिकतम 28 डिग्री तापमान रहने की संभावना जताई गई थी। इसके अलावा सरगुजा संभाग में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोरिया में रात का पारा 9.9 डिग्री सेल्सियस जबकि बलरामपुर में 8.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। वहीं बिलासपुर में रात का पारा 3 डिग्री तक लुढ़क गया। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 2 बड़े ऐलान किए हैं, जहां पर स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए योग और प्राणायाम को बातें कही गई हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रविवार को 2 बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें पहली घोषणा उन्होंने की है कि राज्य में पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोलने की बात हुई है और वहीं दूसरी घोषणा के रूप में राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में योग और प्राणायाम को शामिल करने की घोषणा की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आगामी शिक्षण सत्र से छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए प्रदेश के स्कूलों में योग, प्राणायाम और खेल के साथ साथ मौलिक शिक्षा को भी कोर्सेज में शामिल किया जाएगा। अग्रवाल ने यह घोषणा राजधानी रायपुर के विभिन्न स्कूलों में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। अग्रवाल राजधानी रायपुर के भास्कर पब्लिक स्कूल चंगोरा भाटा और जागृति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाटा गाँव के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, जहाँ इन्होंने स्कूली बच्चों, पालकों और शिक्षकों से कहा कि बच्चों में छुपी प्रतिभा को सामने लाने की जिम्मेदारी परिजन से ज्यादा शिक्षकों पर होती है, क्योंकि एक उम्र के बाद उनका ज्यादा वक्त स्कूल में गुजरता है और यह समझना चाहिए कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं और शिक्षक कुमार की तरह जो बच्चों को एक रूप और आकार देते हैं जिसके उनके बेहतर चरित्र का निर्माण हो सके। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 1,000 लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की। जूदेव ने पैर धुला करके इनका शुद्धिकरण किया, जबकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ये किसी धर्म का विरोध नहीं है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा के आखिरी दिन प्रदेश में धर्मांतरण कर चुके कई परिवारों ने सनातन धर्म में वापसी की। इसमें इस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके 251 परिवारों के 1,000 लोग शामिल हैं। के साथ ही बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के नेतृत्व में घर वापसी से पहले पूजा पाठ के जरिए शुद्धिकरण कराया गया। ज्यादातर लोग सरगुजा संभाग से हैं। घर वापसी करने वाले लोगों ने बताया कि उनके पूर्वज पहले ईसाई धर्म को मानते थे। अब बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने के बाद प्रबल प्रताप जूदेव के मार्गदर्शन में हम वापस हिंदू धर्म में आ रहे हैं। वही धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं और न ही धर्मांतरण में यकीन रखता हूँ। हाँ, घर वापसी पर
पर विश्वास जरूर है। धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी में बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने घर वापसी करने वालों के पैर धुलाए और सनातन धर्म में उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहम्मद अकबर ने हिंदू धर्म में वापसी की। धीरेन्द्र शास्त्री ने अकबर का नाम बदलकर सत्यम रखा है। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने घर वापसी को लेकर कहा इन्होंने कि हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं और ना ही हमने किसी को यहाँ बुलवाया है। सभी लोग हनुमान जी के आशीर्वाद से यहाँ आए हैं। मैं धर्मांतरण का पक्षधर नहीं हूँ, मैं घर वापसी में विश्वास करता हूँ। रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय खुलने वाला है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की घोषणा हुई है, जहां इन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आयुर्वेद और आयुष को बढ़ावा दिया है। छत्तीसगढ़ का पहला और एकमात्र आयुर्वेद विश्वविद्यालय राजधानी रायपुर में खुलेगा। इसकी घोषणा बीते दिन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की है। इन्होंने कहा कि श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में 2 दिवसीय आयुर्वेद एल्यूमिनी मीट यानी स्वर्ण कुंभ का शुभारम्भ किया गया है। से पढ़कर निकले और देश विदेश में सेवाएं दे रहे पुराने डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया गया। इसी के साथ शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आयुर्वेद हमारे जीवन पद्धति का एक अभिन्न अंग है। हमारे घरों का रसोई घर अपने आप में एक आयुर्वेदिक औषधि केंद्र है। एक जानकार व्यक्ति इनका सही प्रयोग करके निरोगी काया पा सकता है। आयुर्वेद आदिकाल से है। जब लंका में लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तब भी वैद्यराज सुसेण ने आयुर्वेद के जरिए उनकी जान बचाई थी। उस वक्त एलोपैथ का नाम निशान नहीं था, लेकिन जो के समय से भारतीय की चिकित्सा प्रणाली को हाशिए पर ला दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से आयुर्वेद और आयुष को बढ़ावा दिया है, जिसके बाद आज पूरी दुनिया में आयुर्वेद को अलग पहचान मिली है। न्याय यात्रा के इंतजाम के लिए 11 समितियां गठित कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में रूट के लिए 4 समितियों का गठन हुआ है। सिद्धदेव जयसिंह उमेश पटेल को प्रभार सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने प्रचार समिति, रूट समिति समेत प्रदेश स्तरीय 11 समितियों का गठन किया है, जिसकी जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को सौंपी गई है। 2 दिनों तक लगातार बैठकों के बाद प्रदेश में कांग्रेस ने न्याय यात्रा के लिए प्रभारी और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। इसके अलावा यात्रा मार्ग के लिए भी 4 समितियां गठित की गई हैं। रायगढ़ खरसिया, कोरबा, कटघोरा, तारा, उदयपुर, अंबिकापुर, राजपुर से लेकर बलरामपुर और रामानुजगंज से यात्रा गुजर सकती है। इसके लिए यात्रा मार्ग समितियां बनाई गई हैं। इन्हीं जिलों के लिए प्रभारी और सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। रायपुर पुलिस ने 241 ड्राइवरों की आंख का चेकअप कराया। सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत बस, ऑटो और ई रिक्शा चालकों के हेल्थ की भी यहां पर जांच की गई। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस ने 241 ड्राइवरों की आंखों की जांच कराई है। इसके अलावा सार्वजनिक वाहन चलाने वाले चालकों की हेल्थ की भी रिपोर्ट यहां पर जांची गई है। ट्रैफिक पुलिस का ये आयोजन सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत किया गया। इस सड़क सुरक्षा माह के 14वें दिन यातायात पुलिस ने सार्वजनिक कमर्शियल गाड़ी चला रहे ड्राइवर, कंडक्टर, ऑटो और ई रिक्शा चालकों के आंखों की और स्वास्थ्य की जांच कराई, जिसके पीछे बड़ी वजह है। कई बार शारीरिक वजहों की वजह से हादसे संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस अभियान के तहत 53 पुलिस स्टाफ, बस स्टैंड और नगर निगम के स्टाफ के रूप में अपनी सेवा कई अन्य लोगों की आंखों की जांच करवाई की दी गई। वहीं इस शिविर में बीपी और शुगर की भी जांच करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट भी ड्राइवरों को दे दी गई है। नेत्र और स्वास्थ्य जांच के लिए 2 निजी हॉस्पिटल समेत जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम शामिल की गई थी और इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाने का निर्देश जारी किया गया। असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती 3 दिनों हो रही है रेलवे पुलिस में, जहां पर रेलवे के 21 जोन में लोको पायलट की भर्ती के लिए आवेदन 19 फरवरी तक आप अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल आवेदन की अंतिम तारीख 19 फरवरी है और रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से पिछले दिनों ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कुल 5,696 पदों पर भर्ती होगी। इसमें देश भर के विभिन्न रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसे बिलासपुर, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, साथ ही कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, साथ ही पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, गोरखपुर इसमें शामिल हैं। इसके लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि अधिकतम 30 वर्ष तय की गई है। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क ₹500, ST/SC/EWS, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क ₹250 तय की गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट indianrailways.gov.in पर आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी आप चेक कर सकते हैं।
स्कूल में शपथ दिलाई गई कि मैं राम और कृष्ण को नहीं मानता। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद बिलासपुर में हेडमास्टर ने ये जो है इन पर कार्यवाही हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित शासकीय स्कूल में हेडमास्टर ने कहा कि वे त्रिदेव यानी राम कृष्ण को नहीं मानते हैं। उन्होंने बच्चों को भी उनके नहीं मानने और बौद्ध धर्म अपनाने की शपथ दिलाई। इसका वीडियो वायरल होने के बाद हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है। सारा मामला बिल्हा विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला भरारी का है। स्कूल के हेडमास्टर रतनलाल सरोवर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें शपथ दिलाते दिखाई दे सकते हैं। 22 जनवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है। दरअसल हेडमास्टर रतनलाल कह रहे हैं कि वे तीनों भगवान नहीं हैं और आगे से वे उन्हें भगवान नहीं माने। वे स्टूडेंट को भी बौद्ध धर्म स्वीकार करने की शपथ दिलाते हुए नजर आए हैं। वीडियो 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन का बताया जा रहा है। एयरपोर्ट का लाइसेंस मिलते ही हवाई सेवा शुरू हो सकती है। केंद्रीय विमानन मंत्री ने पूर्व डिप्टी सीएम को एक पत्र लिखा है, जिसमें फ्लाई लाइसेंस अवार्ड होने की बात कही गई है। अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने के लिए अंबिकापुर बिलासपुर अंबिकापुर और अंबिकापुर रायपुर अंबिकापुर का फ्लाई लाइसेंस फ्लाई बिग एयरलाइंस को अवार्ड हो चुका है। लाइसेंस मिलते ही नियमित उड़ानें शुरू हो सकती हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पत्र को एक्सपर्ट ट्वीट किया है। टीएस सिंहदेव ने 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री सिंधिया को मुलाकात कर अंबिकापुर से हवाई सेवाएं सुविधा जल्द शुरू करने की मांग को लेकर पत्र सौंपा था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टीएस सिंहदेव को भेजे गए पत्र में बताया था कि अंबिकापुर हवाई अड्डे का स्वामित्व छत्तीसगढ़ सरकार के पास है। उड़ान योजना के पहले दौर के तहत अंबिकापुर हवाई अड्डे को आरसीएस उड़ानों के लिए प्रचालन के लिए विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया था। धर्मांतरण की शिकायत पर बजरंग दल का हंगामा देखने को मिला। रायगढ़ में किराए के मकान में प्रार्थना सभा चलाई जा रही थी, 12 लोग हिरासत में लिए गए हैं। रायगढ़ के सावित्री नगर इलाके में शनिवार सुबह किराए के मकान में धर्मांतरण को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और मसीही समाज के 12 लोगों में से ज्यादातर लोगों को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। पूरा मामला जूट मिल थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि एक समुदाय के लोग किराए के मकान में धर्मांतरण करा रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय युवाओं और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, साथ ही मकान में चल रहे धर्मांतरण को लेकर रुकवाया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी। वहीं इस बीच हिंदू समुदाय और धर्म विशेष लोगों के बीच झड़प भी हो गई। सीएम साय ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूरा देश खुश है, ननिहाल के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विश्वदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा है, जिसमें सीएम ने साय ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या धाम से माता सबरी की भक्ति और प्रतीक्षा का जिक्र करने को लेकर धन्यवाद दिया है। सीएम साय ने पत्र में लिखा है कि भारतीय जनमानस के इस सपने को आकार देने के पीछे करोड़ों राम भक्तों और सैकड़ों बलिदानियों के साथ ही आपके संकल्प की अहम भूमिका रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, पार्टी जो है जो काम देगी जहां काम देगी वहां काम करेंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर इन्होंने कहा कि हम काम करने के वाले लोग हैं, जहां पार्टी कहां बोलेगी वहां काम करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने पर इन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लोकसभा सीटों में चुने गए प्रत्याशियों के पक्ष में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं। भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाने के साथ ही बिहार में चल रही सियासी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है, जिम्मेदारी दी गई है। बघेल दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, जहां से सिलीगुड़ी बंगाल जाएंगे और गठबंधन के नेता और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। एक बार फिर से बिहार जाएंगे और पूर्णिया में रात्रि विश्राम करेंगे, जहां वे गठबंधन के नेताओं से भेंट मुलाकात कर चर्चा करेंगे। मन की बात में छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी कार्यक्रम की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने की, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्य भी इसका फायदा जो है ले सकते हैं। हमर हाथी हमर गोठ का फायदा इन्होंने बात की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन मन की बात के 109वें संस्करण में छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी केंद्रों में हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम की तारीफ करते नजर आए। इस कार्यक्रम में हाथियों की वर्तमान लोकेशन, उनकी संख्या और संभावित विचरण क्षेत्रों की जानकारी देकर लोगों को सतर्क किया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे राज्य के लोग भी इसका फायदा ले सकते हैं। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी की तो इन्होंने कहा कि आधुनिक युग में भी रेडियो पूरे देश को जोड़ने में एक सशक्त जरिया है। रेडियो कितना बदलाव ला सकता है, इसकी एक अनूठी मिसाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। पूर्व गृह मंत्री ने सीएम साय से शराबबंदी की मांग की है, जहां इन्होंने कहा कि मैं पांचवी कक्षा से शराब पीना छोड़ दिया हूं, समाज के हित में नशाबंदी जरूरी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शराबबंदी की मांग अब उठने लगी है, जहां पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने यह मांग रखी है कि रायपुर के टाटीबंध में आयोजित कंवर समाज के कार्यक्रम में ननकी राम कंवर ने कहा कि मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि एक बार समाज के लिए, समाज का गौरव होने के नाते समाज के हित के लिए आप शराबबंदी कर दीजिए। बीजेपी 4 से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दे सकती है, जिसमें मंत्री लक्ष्मी ने कहा कि विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी आरक्षण की बात रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बस्तर दौरे पर हैं, जहां इन्होंने प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से 4 से ज़्यादा सीटों पर महिलाओं को उतारा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह विधानसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, ठीक इसी तरह जो है लोकसभा चुनाव में भी महिला आरक्षण का ख्याल रखा जा सकता है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने धर्मांतरण के सवाल पर कहा कि बस्तर में जो लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं, सबसे पहले उन्हें समझाइश देनी चाहिए, साथ ही बच्चों को अपने धर्म के प्रति प्रेरित करना चाहिए, अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए। भूपेश की चिट्ठी के बाद ईडी ने कार्यवाही की है। सांसद बोले कहा कि ईओडब्ल्यू के पास पहले थी शिकायत थी, पूर्व मंत्रियों समेत 100 पर एफआईआर दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ में कोल और शराबबंदी के स्कैम के मामले को लेकर ईडी और 106 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें इसे लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा है कि यह पूरी कार्यवाही पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पत्र के बाद हुई है। इन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही ईडी को एक पत्र लिखा था, और अभी जो है सांसद विजय बघेल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें यह बात पता चली है। रायपुर में अलका लांबा ने महिला कांग्रेस की बैठक ली, जहां कहा कि महिला आरक्षण अभी भी आधा अधूरा है। राजीव भवन में भव्य स्वागत किया गया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अलका लांबा पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंची है, जहां वो महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में और न्याय यात्रा के लिए रिचार्ज करने वाली हैं। अलका लांबा राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगी, और साथ ही दोनों दिनों तक अलका अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने वाली हैं।